स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल लिख लो क्या होता है, जैसे रियल पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे होंगे अभी। ठीक है, कोई भी फंक्शन मान लो एफ एक्स जो इस फॉर्म का है, ए नॉट एक्स एन प्लस ए वन एक्स एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स एन माइनस टू प्लस ए एन। ठीक है, जिसमें जो ए आईज हैं, ये जो है ना कोफिशेंट्स, ये सब जो है वो रियल नंबर हैं, और जो वेरिएबल का पावर है ना, जिसमें वेरिएबल इसमें एक्स है क्योंकि एक्स का फंक्शन है, तो वेरिएबल जो एन, ये एन जो है, एन हो गया, ये एन माइनस वन, ये सब होल नंबर्स है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। होल नंबर्स मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा। ठीक है, तब ये जो फंक्शन है ना वो रियल पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, अगर तुम इन जनरल पॉलिनोमियल का डेफिनेशन देखोगे तो जो ए आईज है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। जनरल केस में अगर तुमसे पूछा जाए पॉलिनोमियल क्या होता है, तो क्या होगा, ए आईज जो हैं वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, इमेजिनरी। लेकिन यहाँ पे हम लोग रियल पॉलिनोमियल का ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो रियल पॉलिनोमियल ये होता है जिसमें ए आईज रियल है और एन जो है होल नंबर है। ठीक है, मतलब एक्स का जो पावर है ना वो ऐसा नहीं है 1/3, 1/4, देर आर नो सर्ड्स, है ना, कोई सर्ड नहीं है। सर्ड मतलब सड़ा हुआ चीज़, मतलब पावर बेकार बेकार। ठीक है, पावर अच्छी होनी चाहिए तब वो कहलाएगा पॉलिनोमियल इन एक्स। ठीक है, ये चीज़ है पॉलिनोमियल इन एक्स। अच्छा, एक्स का जो मैक्सिमम पावर होता है ना, हाईएस्ट पावर, वो इस केस में एन है, तो दिस इज एन nth डिग्री पॉलिनोमियल। इन एक्स, ठीक है, और ये जो होता है इसको बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है, लीडिंग कोफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, इतना हो गया। और एक और चीज़ नोट कर लो कि अगर ए नॉट वन हो गया ना, देन द पॉलिनोमियल विल बी कॉल्ड मोनिक पॉलिनोमियल। ठीक है, मोनिक पॉलिनोमियल कहलाएगा अगर ए नॉट वन हुआ तो, मतलब लीडिंग कोफिशिएंट अगर वन हुआ तो। ठीक है, अच्छा, अगर एन वन हुआ ना, जैसे अगर मैं तुमको बताऊं, अगर एन का वैल्यू वन हुआ, एफ एक्स मान लो ये हो गया ए नॉट एक्स प्लस ए वन बचेगा एन अगर वन है, तो जब डिग्री वन होता है ना किसी पॉलिनोमियल का, तो इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो कल को अगर सवाल में तुमको दिया जाए कि देर इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, तो आप लीनियर पॉलिनोमियल को मान सकते हैं पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, मान सकते हैं आप इसको लीनियर पॉलिनोमियल। लेकिन यहाँ पे आपको ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ए जो है वो नॉन ज़ीरो होगा, क्योंकि अगर ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो लीनियर पॉलिनोमियल तो ये तभी रहेगा ना जब एक्स का टर्म हो, और अगर ए ज़ीरो हो गया तो एक्स का टर्म तो ख़त्म हो जाएगा, इसीलिए लीनियर पॉलिनोमियल कहलाने के लिए आपको ए नॉन ज़ीरो करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अगर कल को बोले कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, पी एक्स एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो आप उसको ऐसे मान सकते हैं। यहाँ भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा ए नॉन ज़ीरो, क्यों, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो तभी कहलाएगा ना जब एक्स स्क्वायर का टर्म जिंदा हो, तो जब ए नॉन ज़ीरो होगा तभी एक्स स्क्वायर का टर्म एग्जिस्ट करेगा, तो उस हिसाब से ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहला जाएगा अगर ए नॉन ज़ीरो हुआ तो।
अच्छा, सवाल में अगर ये स्पेसिफाइड है ना कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो सबसे पहले ये आप कंडीशन लगाइएगा कि ए नॉन ज़ीरो हो, ठीक है? अगर सवाल में दिया है सिर्फ पॉलिनोमियल है, केवल पॉलिनोमियल है, तो उसमें ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो का केस भी काउंट हो जाएगा, क्योंकि अगर ए मान लो ज़ीरो है तब भी तो एक पॉलिनोमियल ही होगा ना। अगर दिया है केवल कि दिस इज़ अ फंक्शन और पॉलिनोमियल, देन आप ए को ज़ीरो ले सकते हैं। लेकिन अगर सवाल में स्पेसिफाई किया है कि नहीं, ये तो क्वाड्रेटिक ही है, तो वहाँ पे आपको नॉन ज़ीरो इसको मानना पड़ेगा, ठीक है? इतना नोट करो। अच्छा, अब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है? और इक्वेशन, ठीक है? तो एक्सप्रेशन और इक्वेशन में डिफरेंस ये होता है तो कि जो एक्सप्रेशन है ना, वो ये चीज़ लिखा है, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। लेकिन आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, लेकिन जब इक्वेशन ये तब बनता है जब आप इसको किसी चीज़ से इक्वेट करते हो। जनरली हम ज़ीरो से इक्वेट करते हैं, ठीक है? जनरली ज़ीरो बोल रहा हूँ, तो दिस इज़ एन इक्वेशन। ज़रूरी नहीं आप ज़ीरो से ही इक्वेट करें, आप किसी से भी कर सकते हैं, बी एक्स प्लस सी। कल को यहाँ पे आप 5 भी रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं। इनफैक्ट आप जेड एक्स प्लस डी, दिस इज़ अ लीनियर फंक्शन, आप इक्वल टू सम लीनियर फंक्शन भी कर सकते हैं, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है? तो अब 10th में तुम लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा होगा, है ना, कि सॉल्यूशन क्या आते हैं उस इक्वेशन के, है ना? बेसिकली अगर मैं वाई को ये मानूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसके रूट्स आते हैं ना, अल्फा हो जाता है माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a प्लस माइनस, मतलब अगर मैं x को बोल दूँ रूट इसके निकाल लूँ तो। लेकिन इसका प्रूफ ऐसे होता है कि देखो, जैसे पी एक्स ये दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है? अच्छा, तुमसे अगर मैं एक सवाल पूछूं कि मतलब ये कुछ लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है? या उससे पहले रुको, ठीक है? इसके अगर तुमको सॉल्यूशन निकालना है, इस जैसे ये एक इक्वेशन लिखा है, ये इसके सॉल्यूशन निकालना है, तो एक्स इसको ए से डिवाइड कर दो, तो ये ऐसा बन जाएगा। लेकिन ए से आप तभी डिवाइड कर सकते हो जब ए नॉन ज़ीरो हो, और ए नॉन ज़ीरो है क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाइड है कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है? तो आप डिवाइड कर सकते हैं ए ए से, तो ये बन जाएगा। अच्छा, जैसे अगर ये लिखा है कहीं पे, ये लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस समथिंग समथिंग लिखा है, ये किसी का होल स्क्वायर है, ठीक है? किसी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, है ना? 2a भी आना चाहिए या माइनस 2a भी आना चाहिए, तब तो ये ए प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है? अच्छा, अगर कहीं पे ये लिखा है ए स्क्वायर प्लस 4b² प्लस दिस, ये किसी का होल स्क्वायर अगर है ये चीज़, तो ये डैश के जगह क्या आना चाहिए, 4ab आना चाहिए ना, या -4ab आना चाहिए ना? क्योंकि देखो, ये ए का स्क्वायर लिखा है, ये जो है 2b का स्क्वायर लिखा है, तो अगर फॉर्मूला बनाना है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 2 into a into 2b आना चाहिए ना, तो वही लिखा है 4ab प्लस माइनस में, तो ये आपका बन जाएगा इसका होल स्क्वायर, ठीक है? अच्छा, ये भी हो गया। अगर कहीं पे ये लिखा है ये किसी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आएगा डैश की जगह, 2b² आना चाहिए, तब तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है?
अच्छा चलो मानो यहाँ पे 2 नहीं दिया है, अब ये किसी का होल स्क्वायर है, तब क्या आएगा यहाँ पे, तब यहाँ पे आएगा बी स्क्वायर बाय 4। क्यों? क्योंकि ये एक तरह से लिखा है 2 इंटू a इंटू b बाय 2 लिखा है। अच्छे से लिख देता हूँ, जैसे मैंने ये बोला कि ये अगर लिखा है प्लस ए बी प्लस डैश, ये किसी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे बी स्क्वायर बाय 4 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे 2 लिखा है और यहाँ ये चीज़ है, ठीक है? तो ये तो काम कर रहा है ए स्क्वायर, ठीक है, ये 2ab, b के जगह आज है b बाय 2, तो यहाँ पे किसका होल स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर बाय, मतलब किसका होल स्क्वायर आएगा, b बाय 2 का होल स्क्वायर आएगा, है ना? तो ये आपका बन जाएगा इसका होल स्क्वायर, ठीक है? तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना सीख लो, इंटीग्रेशन में भी काम आएगा, इंटीग्रेशन में फिर नहीं कर पाओगे वरना, ठीक है? तो इस इक्वेशन पे वापस आते हैं, देखो एक्स स्क्वायर है प्लस, मैं ऐसा लिख देता हूँ 2x इंटू b बाय 2a, ये लिख दिया है ना, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस c बाय ए, अब तुमको इज इक्वल टू 0। अब तुमको देख के लग रहा होगा कि ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहता है ना, जिसमें कि ये एक्स स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर है तो एक्स अवेलेबल है, ठीक है, 2 तो वो तो आता ही है 2ab वाले फॉर्मूले में, ठीक है, एक्स्ट्रा ये आ रहा है, तो इसका अगर हमें स्क्वायर मिल जाए तो होल स्क्वायर बना लेंगे हम, तो इसका स्क्वायर घटा दो और जोड़ दो, जोड़ दिया और घटा दिया, ठीक है? तो इसको इसको और इसको अब क्लब कर लो, तो ये बन जाएगा एक्स प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर, ठीक है? इस माइनस को वहाँ ले जा रहा हूँ, बी स्क्वायर अपॉन 4a माइनस सी बाय ए, ठीक है? अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दो, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, ठीक है? तो ये ऊपर देखो, अब दोनों साइड अगर तुम वो स्क्वायर रूट ले लोगे तो ऐसा बन जाएगा एक्स इज इक्वल टू दिस प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a बन जाएगा, है ना? एक्स यहाँ से आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है? तो ये आपके रूट्स आ गए। अब किसी एक को अल्फा बोल दो, किसी एक को बीटा बोल दो, ठीक है? अच्छा, बी स्क्वायर माइनस 4ac को ना, 4ac को डी से डिनोट किया जाता है, वेयर डी इज डिस्क्रिमिनेंट, है ना, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है? अल्फा मैंने बोल दिया माइनस बी प्लस रूट डी बाय ए 2a, बीटा बोल दिया माइनस बी माइनस रूट डी बाय 2a। तो जब आप सम ऑफ रूट करेंगे, सम ऑफ रूट, ठीक है, तो होगा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है? तो जब ऐड करोगे तो माइनस बी प्लस रूट डी माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a, तो रूट डी कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस बी बाय ए। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर आप करेंगे तो अल्फा बीटा, सेकेंड यहाँ लिख देता हूँ मैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर आप करेंगे अल्फा बीटा, तो अल्फा क्या है, माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a इंटू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। अब इसको थोड़े देर के लिए मैंने कैपिटल ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, ठीक है? तो
इस ब्रैकेट में क्या लिखा है, ए प्लस बी लिखा है, कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी, और यहाँ लिखा है कैपिटल ए माइनस कैपिटल बी। तो जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो तो माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया बी स्क्वायर माइनस, अब डी ये होता था, ठीक है, एक सेकेंड। सॉरी, यहाँ पे अंडर रूट है ना, तो यहाँ पे सिर्फ डी आएगा, अंडर रूट डी का स्क्वायर कर रहे हैं ना, अंडर रूट डी का स्क्वायर करोगे तो डी ही आएगा। तो अब डी का वैल्यू रख दो यहाँ पे, माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, ठीक है। तो ये सिंपली सी बाय ए आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो 10वीं में भी पढ़ा होगा ये सब, कि मतलब सम ऑफ रूट माइनस बी बाय ए होता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाय ए होता है, ठीक है, नोट कर लो इतना, ठीक है। तो एक सवाल करते हैं, लेट अल्फा कॉमा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो, फाइंड अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा, ठीक है, ये सब दिया है, ठीक है। अच्छा तो करते हैं सॉल्व, पहला लिखा है अल्फा प्लस बीटा, अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय होता है इसमें, माइनस यहाँ पे बी क्या है, बी है माइनस पी, तो माइनस बी क्या होगा, पी हो जाएगा, और ए तो वन है, तो अल्फा प्लस बीटा पी आ जाएगा, ठीक है। दूसरा अल्फा बीटा ये होता है सी बाय ए, जो कि क्यू आ जाएगा, है ना, ये तो 10th का रिजल्ट है सब, ठीक है। तो ये तो कर लिया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं, थर्ड पे। अच्छा, थर्ड से पहले मैं ये बता देता हूँ सिक्स्थ कैसे करते हैं। सिक्स्थ में देखो लिखा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अभी एलजेब्रिक मैनिपुलेशन है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को तुम लिख सकते हो, ये है ना, क्योंकि इसके एक्सपेंशन में टू अल्फा बीटा आएगा, वो इससे कैंसिल हो जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा एक कोने में लिख लो, अल्फा प्लस बीटा पी है, अल्फा बीटा क्यू है ना। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस टू क्यू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो एक मेथड है जो कि सिंपल मेथड है, मतलब सबसे आसान तरीका है ये। लेकिन एक और तरीका देखो, ये इक्वेशन है ना, इसका अगर रूट है अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसमें अल्फ़ा रख दो, तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस पी अल्फा प्लस क्यू, दिस इज करेक्ट, है ना। सिमिलरली बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगा ना, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दोनों को ना जोड़ दो, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस पी कॉमन ले लेता हूँ मैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस टू क्यू इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस टू क्यू, अल्फा प्लस बीटा की जगह रख दो पी, तो फिर से आएगा पी स्क्वायर माइनस टू क्यू, ठीक है। सिंपल मेथड ये है, लेकिन ये मेथड से इसलिए बताया, लाइन ऑफ थिंकिंग उससे ब्रॉड होगा, ठीक है। आपका मेथड आसान हो सकता है, लेकिन आपको सारे मेथड पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उससे लाइन ऑफ थिंकिंग बढ़ता है ना, इसीलिए। अब आ जाओ थर्ड पे, थर्ड है वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा, एलसीएम ले लो, तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा पी है और ये क्यू, तो पी बाय क्यू आ जाएगा। दूसरा मेथड, ये तो आसान मेथड है, दूसरा भी देख लो, है ना, लाइन ऑफ थिंकिंग बढ़ाना है बस, अल्फा इसमें सेटिस्फाई करो, तो अल्फा स्क्वायर माइनस पी अल्फा प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, ये हो गया, ठीक है। अब अल्फा से इसको डिवाइड कर दो, है ना, यहाँ पे सवाल में होना चाहिए था कि क्यू नॉन जीरो है, यहाँ पे कर लो, क्यू क्यू नॉन जीरो है, एक सेकेंड,
फिर उसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा, रहने दो। अगर अब देखो, क्योंकि इन्होंने 1/α + 1/β पूछा है, ठीक है, तो अगर ये पूछ रहा है मतलब अल्फ़ा बीटा 0 नहीं होगा, है ना, क्योंकि अगर 0 होता अल्फ़ा या बीटा तो ये सवाल ही नहीं बनता ना, क्योंकि 1/0 तो कुछ भी नहीं था, ठीक है, तो अल्फ़ा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, तो ये इक्वेशन है। अब इसको अल्फ़ा से डिवाइड कर दो, अल्फ़ा से डिवाइड कर सकते हो क्योंकि अल्फ़ा 0 नहीं है, है ना, तो अल्फ़ा से डिवाइड करोगे तो ये आएगा α-P+Q/α इज इक्वल टू 0। सिमिलरली बीटा में भी यही इक्वेशन बनेगा, दोनों को जोड़ दो, तो α+β-2P+Q, Q कॉमन ले लिया, 1/α + 1/β इक्वल टू 0, तो 1/α + 1/β ऐसा हो जाएगा, Q मल्टीप्लाइड है, वहाँ ले गया 2P, 2P वहाँ हो गया, और α+β को P रख सकते हैं तो -P हो जाएगा, ठीक है, तो 1/α + 1/β आ जाएगा P/Q, ठीक है। फोर्थ पे आते हैं, α/β + β/α, इसको लिख सकते हो α² + β² / α β। अब α² + β² का वैल्यू यहाँ से निकाल लिया था सिक्स्थ में, ठीक है, और अल्फा बीटा का वैल्यू भी तुमको पता है क्यू, है ना, तो दोनों को डिवाइड कर देना आ जाएगा, ठीक है, फोर्थ भी हो गया। फिफ्थ, α³ + β³, इसका a³ + b³ का फॉर्मूला पता है, ये होता है a+b α² + β² - α β, इसका वैल्यू पता है, α² + β² का वैल्यू भी पता है, -α β कर देना, ठीक है, आ जाएगा, ठीक है, एक तरीका। दूसरा तरीका, इसको अल्फा सेटिस्फाई कर रहा है, तो α² - pα+q, दिस इज ट्रू, दोनों साइड अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, अब बीटा के लिए भी ये इक्वेशन सही होगा, जोड़ दो α³ + β³ - pα² + β² + q(α+β), ठीक है, तुमको इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है ना, α² + β² का वैल्यू ऐसे निकाल लेते हैं, α+β p पता ही है, तो ये भी आ जाएगा, है ना, तो यहाँ से भी ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, ये मेथड जो बता रहा हूँ ना पुट करके निकालने का, ये याद रखो, ये आगे काम आएगा, है ना, नो डाउट ये सब जो एक्सपेंड करके, मतलब इसका एक्सपेंशन तुमको अगर पता है उससे कर लोगे तो आसान है, वो जो बाद में बताया उसके मुकाबले बहुत आसान है, लेकिन सारे मेथड याद रहने चाहिए क्योंकि लाइन ऑफ थिंकिंग उससे अच्छा होता है, ठीक है। सेवेंथ, ठीक है, ये हो गया, ये सब हो गया। सेवेंथ है α/α-P + β/β-P, ठीक है। अच्छा अभी ध्यान से देखो, इक्वेशन में अल्फा बीटा सेटिस्फाई होगा, है ना, तो अल्फा सेटिस्फाई करा दो, ठीक है। अब इतने में से ना अल्फा कॉमन ले लो, तो α·α·P हो जाएगा +Q = 0, है ना, ये सही सही लिखा है ये, तो α·P क्या हो जाएगा, -Q/α हो जाएगा, 1/α·P क्या हो जाएगा, -α·Q हो जाएगा, α·α·P क्या हो जाएगा, -α²/Q हो जाएगा। सिमिलरली
सेम ऑपरेशन बीटा के लिए करोगे तो बीटा अपॉन बीटा माइनस पी क्या हो जाएगा, माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन क्यू हो जाएगा, है ना। दोनों को जोड़ दो तो 1/q कॉमन आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसका वैल्यू भी अपने को पता है, सिक्स्थ में निकाला था, है ना, तो ये भी आ गया। ठीक है, इसका दूसरा मेथड। ठीक है, दूसरा मेथड है इसका कि पी अल्फा अपॉन अल्फा माइनस पी लिखा है ना, अल्फा माइनस पी लिखा है, पी को मैं लिख देता हूँ ये अल्फा प्लस बीटा, तो ये वही चीज़ लिखा है, अल्फा अपॉन अल्फा माइनस पी, तो ये माइनस अल्फा अपॉन बीटा हो जाएगा, है ना। सिमिलरली बीटा अपॉन बीटा माइनस पी लिख दिया तो माइनस बीटा अपॉन अल्फा हो जाएगा। तो जब दोनों को जोड़ोगे तो जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो ये है, ठीक है, जो कि फोर्थ का नेगेटिव है। तो फोर्थ का जो आंसर आया होगा उसको नेगेटिव कर दो तो आपको सेवेंथ का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब ये भी हो गया। एट्थ है अल्फा माइनस बीटा का मॉड। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर अगर तुम देखो तो ये कैसे एक्सपेंड होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा ऐड कर दिया तो 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया और ये बचा हुआ है, ये तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आ गया, दिस थिंग अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, दिस इज अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर इज पी स्क्वायर माइनस 4q, है ना। तो अल्फा माइनस बीटा का जो मॉड होगा वो स्क्वायर रूट ऑफ दिस थिंग पी स्क्वायर माइनस 4q होगा, है ना। मतलब मॉड हटा दो, अल्फा माइनस बीटा अगर तुम फाइंड कर रहे होगे तो आएगा प्लस माइनस दिस थिंग, लेकिन अगर तुम मॉड ले लोगे तो मॉड तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है, तो आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 4q। ठीक है, नोट कर लो, कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं। ठीक है, एक एक प्रॉब्लम है कि इफ लेट के बी द रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस के माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम जो है वो कर रहा हूँ, के सेटिस्फाई कराओ इसमें। ठीक है, ये ट्रू है तो के इंटू के माइनस 1 इज इक्वल टू 3, ये चीज़ है। ठीक है, इसको याद रखो। अब इस टर्म पे आओ, ये लिखा है k³ + 1 है न्यूमरेटर में, उसको एक्सपेंड करो तो उसका एक्सपेंशन क्या होता है, ये होता है ना, a³ + b³, ये होता है ना a+b into a²+b² - ab, ये चीज़ होता है ना। तो a के जगह k रख दिया और b के जगह 1 रख दिया अपॉन, अब k का पावर 5 है और यहाँ k का पावर 3 है, यहाँ से k का पावर 3 कॉमन ले लो तो आ जाएगा k का पावर 3 कॉमन, k का पावर 5 में से कॉमन लोगे तो ऐसा बचेगा और k³ कॉमन लिया है तो ये चीज़, और यहाँ से माइनस k² कॉमन लो, k² है ना, माइनस k² कॉमन लो तो अगेन यही चीज़ बन जाएगा। ठीक है, अब k² - 1 कॉमन आ जाएगा, k³ - k² k+1 into k²- k+1,
अपॉन, इसको लिख लिया के माइनस वन इंटू के प्लस वन, इतने पार्ट को, और बचे हुए पार्ट में से के स्क्वायर कॉमन ले लिया, बचे हुए पार्ट में से तो के माइनस वन बचेगा, ये उड़ गया, ठीक है। ये बचा, न्यूमरेटर को ऐसा लिख लिया, लिख सकता हूँ है ना, और डिनोमिनेटर को ऐसे लिख दिया, जो के है ना वो बांट दिया, के इंटू के माइनस वन है इंटू बाकी इसको दे दिया, है ना। अब के इंटू के माइनस वन तुमको पता है 3 के बराबर है, तो 3 प्लस 1 4 और 3 इंटू 3 9, तो 4/9 इसका आंसर हो जाएगा। नोट कर लो, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। इफ पी एक्स वी ए पॉलिनोमियल सेटिस्फाइंग दिस, है ना, इसको लिख लो, पी एक्स स्क्वायर प्लस 2x² प्लस 10x इज इक्वल टू 2x इंटू पी एक्स प्लस 1 प्लस 3, फाइंड पी एक्स। अच्छा अगर, अच्छा मान लो पी एक्स अगर इस टाइप का हुआ, पी एक्स मान लो ये हुआ ए नॉट एक्स एन प्लस a1xn-1, जनरल पॉलिनोमियल तो यही है ना, तो अगर मैं पी एक्स स्क्वायर कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, ए नॉट एक्स का पावर 2n प्लस a1x का पावर 2n-2, डिग्री डबल हो जाएगा मतलब, है ना। और अगर ये दोनों चीज़ इक्वल है तो यहाँ पे जो पॉलिनोमियल लिखा रहेगा, देखो LHS में एक पॉलिनोमियल आएगा और RHS में भी एक पॉलिनोमियल आएगा, दोनों पॉलिनोमियल सेम होंगे, दोनों पॉलिनोमियल सेम होंगे मतलब डिग्री भी सेम होगा, ठीक है। तो अगर मैं मान लूँ पी एक्स का डिग्री एन है तो पी एक्स स्क्वायर का डिग्री क्या होगा, 2n होगा। तो LHS में जो पॉलिनोमियल लिखा है उसका डिग्री क्या होगा, 2n होगा। अच्छा RHS में जो पॉलिनोमियल है उसका डिग्री क्या होगा, जैसे पी एक्स प्लस 1 क्या होगा, ए नॉट इंटू एक्स प्लस 1 का पावर n प्लस a1 इंटू x+1 का पावर n-1। तो इसका डिग्री क्या है, इसका डिग्री तो n ही है ना। देखो लीनियर को लीनियर से अगर रिप्लेस करोगे, x को x+1, मतलब लीनियर को लीनियर से रिप्लेस करेंगे तो डिग्री पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्योंकि ये 2x से मल्टीप्लाइड है, 2x से मल्टीप्लाइड है तो इसका डिग्री बढ़ जाएगा 1 से, तो ये n+1 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। तो RHS में कौन सा पॉलिनोमियल है, n+1 डिग्री का, और क्योंकि LHS RHS दोनों इक्वल है तो डिग्री भी सेम होगी, तो n यहाँ से 1 आ जाएगा। इसका मतलब पी एक्स एक लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है तो हम मान सकते हैं पी एक्स ये होगा, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब पी एक्स हमें फाइंड करना है, देखो कितने आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट है, दो कांस्टेंट है ना ए बी, नहीं पता हम लोग को, तो दो वैल्यू अगर हमको पता चल जाए, मतलब पी का आउटपुट पता चल जाए दो पॉइंट्स पे, मतलब दो एक्स पे, तो आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, ठीक है, इसमें जीरो पुट करके देखो क्या होगा, जीरो पुट करने से देखो बताता हूँ, जीरो पुट करोगे तो ये पी जीरो बनेगा, पी जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो गया, ये भी जीरो बन जाएगा क्योंकि एक्स जीरो है ना, तो जीरो इज इक्वल टू 3। पी ऑफ जीरो 3 आ गया, पी ऑफ जीरो अगर 3 आ गया इसका मतलब ए एक्स प्लस बी में जब तुम एक्स का वैल्यू जीरो रखोगे तो आउटपुट 3 आएगा, तो एक्स का वैल्यू जीरो रखो तो बी 3 आ जाएगा, बी 3 आ गया। अब मैं इसको 3 लिख देता हूँ, ठीक है। अब क्या करें, अब वन, अब -1 रखो x के जगह, -1 क्यों रखो, देखो तुमको पी ऑफ जीरो पता है ना, पी ऑफ जीरो तुमको पता है 3 है, तो किसी तरह क्रिएट करो, तुम जीरो कैसे क्रिएट कर सकते हो, या तो तुम यहाँ पे जीरो रख के जीरो क्रिएट कर सकते हो, लेकिन वो ऑलरेडी तुम कर चुके हो, तो यहाँ कुछ ऐसा रखो कि जीरो क्रिएट हो, तो क्या रखोगे, -1, तो पी ऑफ 1 आ जाएगा यहाँ पे,
क्योंकि माइनस वन रख रहे हो तो प्लस टू, माइनस वन का स्क्वायर वन होता है, माइनस टेन, टेन से जब मल्टीप्लाई होगा माइनस वन तो माइनस टेन, माइनस टू। पी ऑफ जीरो, पी ऑफ जीरो को मैं तीन लिख देता हूँ, ठीक है, इंटू, ये एक्स नहीं है इंटू है, ठीक है, यहाँ पे एक्स था तो माइनस टू इंटू थ्री प्लस थ्री, पी ऑफ वन आ गया 8 माइनस 3 जो कि 5 है, ठीक है ना, ये वहाँ जाके 8 बन जाएगा और ये माइनस ये 5, पी वन भी तुमको 5 मिल गया। इसमें पी वन 5 इज इक्वल टू वन रखो, ए प्लस थ्री, ए 2 आ गया तो पी एक्स क्या आ गया, 2x+3, ठीक है, तो ये आपका आंसर है, नोट कर लो। अगला सवाल, इफ सेक्स स्क्वायर अल्फा एंड कोसेक्स स्क्वायर अल्फा आर जीरोज ऑफ द फंक्शन दिस, देन फाइंड एफ ऑफ वन। एफ ऑफ वन क्या है, वन पुट करो, 1+b+c, ठीक है। अच्छा, इसके इसका रूट है, मतलब इसका जीरोज है ना ये, सेक स्क्वायर अल्फा और कोसेक स्क्वायर अल्फा, तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सेक स्क्वायर अल्फा को लिख लेता हूँ कॉस स्क्वायर अल्फा, 1 अपॉन +1 अपॉन sin² अल्फा, ये सम ऑफ रूट्स है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो ये बनेगा, अगर तुम इसका एलसीएम लोगे ठीक है, आई होप तुमने 10वीं पास की है तो तुमको साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा पता होगा वन होता है, ठीक है, तो ये बन गया है ना। ये क्या है, सम ऑफ रूट्स है, सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, माइनस बी आएगा ना, माइनस बी बाय ए के जगह वन है, बी तो है ही तो माइनस बी, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट करो, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट करोगे तो सेक स्क्वायर अल्फा इंटू कोसेक स्क्वायर अल्फा को ये लिख सकता हूँ मैं, इंटू 1 अपॉन cos² अल्फा, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट है, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, सी है। अब तुम देखो ये जो लिखा है, ये जो लिखा है ये सेम ही तो लिखा है ना, देखो इसका क्या मतलब है, दिस सिंपली मीन्स बी इज इक्वल, माइनस बी इज इक्वल टू सी, दिस मीन्स बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, बी प्लस सी अगर जीरो है तो इतना चीज जीरो हो गया, बचा केवल वन, तो एफ ऑफ वन क्या है, वन, ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, इफ अल्फा कॉमा बीटा रूट्स ऑफ इक्वेशन अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 2 बीटा x+2 बीटा -α इज इक्वल टू 0, फॉर अल्फा नॉन जीरो, देन हमें फाइंड करना है कि ऑप्शंस कौन कौन से करेक्ट होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये लिख लो, रिलेशन बिटवीन कोफिशेंट एंड रूट्स, अल्फा बीटा अगर इसके रूट्स है तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -2 बीटा बाय अल्फा होगा, और अल्फा बीटा क्या होगा, c/2 बीटा -α/α, है ना, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय होता है, तो बी के जगह 2 बीटा है आज और ए के जगह अल्फा है, तो वही चीज़ लिखा है, ठीक है। अब ये दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है, किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालो दूसरे के रिलेशन में और पुट कर दो दूसरे बचे हुए इक्वेशन में, तो मैं इस इक्वेशन को उठाता हूँ ठीक है, और यहाँ से बीटा निकाल लेता हूँ, तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू -2 बीटा हो जाएगा, बीटा अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस टू दिस थिंग, बीटा विल बी -α² अपॉन α+2, ठीक है। अब ये जो बीटा का वैल्यू आया है वो सेकेंड में तुम रख दो, तो सेकेंड में रखोगे तो होगा अल्फा इंटू बीटा, ये है इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बीटा -α² अपॉन α+2 अपॉन α, 2 बीटा अपॉन α लिखा है, दिस इज 2, दिस इज बीटा अपॉन अल्फा है ना, -1, α/α 1 हो जाता ना, तो मैंने बेसिकली इसको लिखा है 2 बीटा बाय α-1, तो ये 2 इंटू बीटा अपॉन अल्फा -1, वो चीज सेम है,
तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा क्यूब अपॉन अल्फा प्लस टू इज इक्वल टू एक अल्फा से एक अल्फा कैंसिल होगा, तो ये बचेगा माइनस टू अल्फा अपॉन अल्फा प्लस टू माइनस वन। फर्दर इसको सॉल्व करोगे माइनस अल्फा क्यूब है ना, एलसीएम लोगे तो डिनोमिनेटर तो दोनों साइड से कट जाएगा, तो ये बन जाएगा कितना बन जाएगा, माइनस थ्री अल्फा माइनस टू। अब इस इक्वेशन को यहाँ लेके आओ, तो ये बन जाएगा अल्फा क्यूब माइनस थ्री अल्फा माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। अब क्यूबिक है, हिट एंड ट्रायल से देखो इसका क्या रूट है, माइनस वन सेटिस्फाई कर रहा है क्या, माइनस वन प्लस थ्री माइनस, ठीक है माइनस वन इसका एक रूट है, मतलब इसका एक फैक्टर क्या होगा, अल्फा प्लस वन होगा, ये इसका एक फैक्टर होगा। अब अगर तुमको क्वाड्रेटिक फैक्टर जो है इसका फाइंड करना है, तो एक तरीका है तुम लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर लो है ना, अल्फा प्लस वन से डिवाइड करो तो जो क्वोशेंट आएगा वही होगा, रिमाइंडर तो जीरो आएगा क्योंकि ऑब्वियसली अल्फा प्लस वन इज़ अ फैक्टर। दूसरा मेथड, तुमको अल्फा क्यूब क्रिएट करना है, तो अल्फा किससे मल्टीप्लाई होगा कि वो अल्फा क्यूब जनरेट करे, अल्फा स्क्वायर से, तो अल्फा स्क्वायर लिख लिया। कॉन्स्टेंट क्या है, माइनस टू है, तो वन कॉन्स्टेंट कैसे क्रिएट होगा, जब कॉन्स्टेंट जो यहाँ का जो कॉन्स्टेंट है और यहाँ का जो कॉन्स्टेंट होगा वो जब गुना मेरा मतलब मल्टीप्लाई होगा तब जाके एक कॉन्स्टेंट बनेगा ना, तो प्लस वन को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, माइनस टू है, माइनस टू से, तो माइनस टू लिख लिया। अब तुम अल्फा स्क्वायर का कोफिशियंट देख सकते हो या अल्फा का कोफिशियंट देख सकते हो, ठीक है, मतलब एक टर्म और चाहिए ना, तो वो कैसे फाइंड होगा, तुम अल्फा का कोफिशियंट देखो, माइनस थ्री है, अल्फा का कोफिशियंट कब आएगा, जब ये अल्फा इस माइनस टू से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टू अल्फा जनरेट होगा, लेकिन हमें माइनस थ्री अल्फा चाहिए, हमको एक और माइनस अल्फा चाहिए। माइनस अल्फा कब आएगा, जब ये प्लस वन माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई होगा, है ना, हो गया फैक्टराइज, अल्फा प्लस वन, और इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से अगर तुम करो तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस टू इंटू अल्फा प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। दिस मीन्स अल्फा प्लस वन होल स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से अल्फा की दो वैल्यू आई है, अल्फा इज टू और माइनस वन, है ना, इतना नोट करो पहले, तब तो मैं इरेज करके जाके बना लेता, नोट करो अल्फा क्या आया था, टू और माइनस वन आया था। अच्छा अल्फा प्लस बीटा हमें पता था ना, माइनस टू बीटा बाय अल्फा है, ठीक है, तो अल्फा या तो टू होगा या माइनस वन होगा, अब उस हिसाब से देखना पड़ेगा बीटा का वैल्यू, तो टेबल बना लो अल्फा बीटा दिस थिंग। अल्फा जब टू होगा तो बीटा का क्या वैल्यू होगा, अल्फा को टू रखो इसमें, तो टू प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस टू बीटा अपॉन टू माइनस बीटा, बीटा इस केस में माइनस वन आ जाएगा, तो ये माइनस वन। जब अल्फा माइनस वन होगा तब बीटा का क्या वैल्यू होगा, तो अब बीटा रखो इसमें माइनस वन, सॉरी अल्फा रखो माइनस वन, तो माइनस वन माइनस बीटा, अल्फा क्या रखा माइनस वन, तो ये टू बीटा है ना, एक सेकेंड, अल्फा को माइनस वन रखा तो माइनस वन प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस टू बीटा अपॉन माइनस वन टू बीटा, बीटा माइनस वन आ गया। सो द पेयर्स आर अल्फा बीटा आर टू कॉमा माइनस वन और माइनस वन कॉमा माइनस वन, है ना। अब देख लो, जब अल्फा कॉमा बीटा ये होगा तो अल्फा बीटा क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो बी ऑप्शन सही है। जब अल्फा बीटा माइनस वन हुआ तब ये सही है ना। अच्छा ऑप्शन सी पे अब देखते हैं, ऑप्शन सी में मैं पहला पेयर ले रहा हूँ, तो टू अल्फा अपॉन बीटा क्या होगा, टू इंटू अल्फा अपॉन बीटा क्या होगा, माइनस टू, इसका स्क्वायर कर रहे हैं, प्लस बीटा अपॉन अल्फा माइनस वन बाय टू स्क्वायर, ये कितना आ रहा है, 16 प्लस 1/4, ये हो जाएगा 65,
बटा 4 है ना, आपका सी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अब मैं दूसरा पेयर अगर लूँ और तब इवेल्यूएट करूँ चौथा ऑप्शन, तो आएगा बीटा अपॉन अल्फा तो 1 हो जाएगा, तो 2 स्क्वायर 4 प्लस अगेन ये 1 हो जाएगा, 1 तो 5 आ जाएगा, तो आपका डी ऑप्शन भी सही होगा। ठीक है, नोट कर लो, इसका दूसरा मेथड देखते हैं। देखो अल्फा प्लस बीटा तो पता था ना, -2 बीटा बाय अल्फा था, और अल्फा बीटा क्या था, अल्फा बीटा को मैं ये लिख रहा हूँ, इसको लिख लिया 2 बीटा बाय अल्फा -1। ठीक है, तो यहाँ से इसको वापस अगर मैं लिख दूँ तो -2 बीटा बाय अल्फा हो जाएगा, और इसको इसको इक्वेट करूँ तो मैं लिख सकता हूँ अल्फा बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 बीटा बाय अल्फा। 2 बीटा बाय अल्फा मिल गया ना, तो तुम अगर जोड़ दोगे दोनों इक्वेशन को तो ये बन जाएगा अल्फा बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो, अब ये बहुत अच्छा इक्वेशन है। ठीक है, ये बहुत जगह आएगा मैथ्स में, और ये फैक्टराइज करना इसको बहुत आसान होता है। इसमें क्या करो, इसको कलेक्ट करो, इसको कलेक्ट करो, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, अल्फा कॉमन आ रहा है, अल्फा कॉमन ले लो, तो अल्फा कॉमन ले लोगे इसमें से तो ये बनेगा, अल्फा कॉमन ले लिया 1 प्लस बीटा, और बीटा प्लस 1 से कॉमन क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है कॉमन, मतलब कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो ऐसा लिख लिया बीटा प्लस 1 इंटू अल्फा प्लस 1, ये 0 हो जाएगा। सो द केसेस आर अल्फा इज इक्वल टू -1 और बीटा इज इक्वल टू -1, है ना। फिर से टेबल बना लो अब। एक वक्त पे अल्फा -1 है तब बीटा कुछ आएगा वो पता नहीं, एक वक्त पे बीटा -1 है अल्फा कुछ आएगा वो पता नहीं, तो अब निकाल लो। जब अल्फा -1 होगा तो यहाँ पुट कर दो वापस। ठीक है, वापस पुट करो इसमें तो आ जाएगा -1 प्लस बीटा अपॉन 2 बीटा, तो बीटा क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, -1। ठीक है, और जब बीटा -1 होगा तब पुट कर लो यहाँ पे फिर से, तो बीटा जब -1 है तो ये चीज़ 2 अपॉन अल्फा, ये इक्वेशन बन रहा है ना। बीटा को जब तुम -1 रख रहे हो तो ये -2 इंटू -1 2 बन जाएगा, और अपॉन अल्फा दिस थिंग, तो ये क्वाड्रेटिक बनेगा, ये अल्फा स्क्वायर, थोड़ा यहाँ अल्फा स्क्वायर -अल्फा इज इक्वल टू 2, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0, अल्फा प्लस 2 इंटू अल्फा -1, सॉरी अल्फा -2 इंटू अल्फा प्लस 1 0 हो जाएगा। ऐसे अल्फा की दो वैल्यू आएगी, 2 और -1 आएगी। ठीक है, अब -1 रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि जो पेयर हमने लिया है बीटा -1 लिया है ना, और अल्फा भी -1 आ गया, वो पेयर हम पहले ही ले चुके हैं प्रीवियस केस में, है ना, -1, -1 आ चुका है। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, एक सेकेंड, जब अल्फा -1 था, सॉरी अल्फा जब -1 था तब हमने अल्फा -1 रखा था और बीटा -1 आया था, -1 यहाँ लिखना था। ठीक है, अब जब बीटा -1 है, जब बीटा -1 है तो हमने जब लिखा ये चीज़ -1, तो एक ऐसा बना, इसको सॉल्व करेंगे तो एक पेयर आ जाएगा -1, -1, हम पहले ही ले चुके हैं तो उसको दोबारा लेने का सेंस नहीं बनता, और तो बचा हुआ पेयर कौन सा है, 2 और -1, तो ये 2 हो जाएगा, तो अगेन वही प्रीवियस रिजल्ट आ गया, यही पेयर आए थे, है ना, तो ये भी एक मेथड है। ठीक है, नोट कर लो, एक और मेथड है वो भी देख लेना। एक दूसरा मेथड ये है कि जब भी ऐसा क्वाड्रेटिक गिवन हो ना जिसमें वेरिएबल हो, तो सारे वेरिएबल को ना एक बार अलग अलग करके लिख लो। ठीक है, तो कुछ ना कुछ कॉमन आ जाता है और कट जाती है चीज़ें, ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है।
काफ़ी बुक्स में। तो यहाँ पे एक वेरिएबल अल्फा है ना, अल्फा है और अल्फा है, अल्फा को बाहर मतलब अल्फा को अलग कर लो, तो अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा ये लिख लिया, और बीटा को अलग कर लो, टू बीटा एक्स प्लस टू बीटा। यहाँ से अल्फा कॉमन ले लो, तो अल्फा कॉमन ले लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वन आ जाएगा प्लस टू बीटा एक्स प्लस वन। दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस वन को ये लिख लिया, नाउ एक्स प्लस वन यहाँ से कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा अल्फा एक्स माइनस वन प्लस टू बीटा इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ से जो है एक्स की एक वैल्यू आई है माइनस वन, ठीक है, और एक्स क्या हो सकता है, हो सकता है ये फैक्टर ज़ीरो, तो इस फैक्टर को अगर तुम ज़ीरो करोगे, अल्फा इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू माइनस टू बीटा, इस फैक्टर को ज़ीरो करोगे तो ये आएगा, तो एक्स यहाँ से आएगा वन माइनस टू बीटा बाय अल्फा, है ना, और वन माइनस टू बीटा बाय अल्फा। अब यहाँ पे भी दो केस बनेंगे, या तो एक वक्त पे अल्फा माइनस वन होगा, जब अल्फा माइनस वन हो गया अगर, तो बीटा को ये होना पड़ेगा, मेरे कहने का ये मतलब है एक्स की दो वैल्यू आई ना, क्वाड्रेटिक है, दो वैल्यू आएगी एक्स की, मैंने बोल दिया एक बार ये चीज़ जो माइनस वन है वो अल्फा है, तो इसको बीटा होना पड़ेगा, है ना, इसको बीटा होना पड़ेगा जब अल्फा माइनस वन हो गया, तो इसको बीटा होना पड़ेगा, तो वही लिखा है। अब अल्फा माइनस वन पुट करो इसमें तो बीटा की एक वैल्यू आएगी, ठीक है, तो कुछ वैल्यू आया बीटा का। अब दूसरा केस, जब ये बीटा हो, अगर ये बीटा होगा, इफ़ दिस इज़ बीटा देन अल्फा मस्ट बी दिस, है ना, ये अल्फा होना चाहिए, ये अल्फा होना चाहिए, अगर ये बीटा हो गया तो ये अल्फा होगा ना, तो यहाँ से एक अल्फा की वैल्यू आएगी, तो आप देखेंगे कि सेम वैल्यू आएगी, मतलब पिछला जो रिजल्ट है ना, जो हम पहले से सॉल्व कर रहे हैं, वही रिपीट हो जाएगा, ठीक है, तो आंसर आपके चारों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट आर्टिकल है नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है, ये सब 10th के आर्टिकल्स हैं, तुमने किए ही होंगे, ठीक है, तो डी अगर पॉजिटिव होगा तो तुमको पता होगा रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, है ना, लॉजिकल है ना, एक्स क्या आता है, मतलब जो रूट क्या आता है, ये आता है ना डी अपॉन टू ए। अब अंडर रूट के अंदर की चीज़ कब डिफाइन होगी, जब ये अंडर रूट के अंदर वाला पॉजिटिव हो, ठीक है, तो डिस्टिंक्ट भी होंगे रूट, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। सेकेंड कंडीशन, इफ डी इज़ ज़ीरो देन रूट रियल तो होंगे लेकिन सेम होंगे, सेम होंगे ना, एक्स ये आता माइनस बी प्लस, अब रूट डी तो ज़ीरो हो गया ना अपॉन टू है, तो रूट जो है वो रिपीट हो जाएगा। और अब तुमको फैक्टर थ्योरम से बेसिक मैथ्स में मैंने बताया था कि कोई भी फंक्शन का, मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन का, एक रूट अल्फा होता है, दूसरा रूट अगर बीटा होता है, तो उसका एक फैक्टर एक्स माइनस अल्फा होगा और दूसरा फैक्टर होगा एक्स माइनस बीटा, तो तुम उस पॉलिनोमियल को ऐसे लिख सकते हो, है ना। तो अगर मान लो मैंने इसको अल्फा बोल दिया, तो एक रूट अल्फा आ गया, दूसरा रूट भी अल्फा आ जाएगा, तो एक फैक्टर तो अल्फा है ही, दूसरा फैक्टर भी रिपीट हो जाएगा, तो ये होल स्क्वायर टाइप बन जाएगा। तो तुम लिख सकते हो जब डी ज़ीरो हो ना, तब जो पॉलिनोमियल होता है वो एक परफेक्ट स्क्वायर भी बन जाता है, ठीक है, नोट में लिख लेना बना के अपने शब्द में, कि जब डी ज़ीरो होता है उसका मतलब जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है वो एक लीनियर फंक्शन का स्क्वायर होता है, ठीक है। जैसे अगर इस पे एक सवाल बनाना हो, जैसे मान लो क्वेश्चन, फाइंड पी सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू
अंडर रूट 4x² प्लस px प्लस 36 सच दैट एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल। तो कैसे होगा? अब देखो पॉलिनोमियल क्या होता है, जब एक्स की अच्छी अच्छी पावर हो। अच्छा अच्छा पावर कब होगा? जब ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, है ना? क्योंकि अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना तो फिर ये तो सर्ड, मतलब बहुत गंदा गंदा उसका पावर हो जाएगा ना। तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है किसी चीज़ का, इसका क्या मतलब है? डी ज़ीरो होना पड़ेगा। तो इसका अगर डी तुम ज़ीरो करोगे तो आएगा बी स्क्वायर जो कि पी स्क्वायर है, माइनस 4 × a जो कि 4 है, इंटू सी। इसको ना 9 कर लो, ठीक है? सवाल ये है, इज अ पॉलिनोमियल। तो वही लॉजिक की डी ज़ीरो है तो पी स्क्वायर माइनस 4ac कर दो, 4 × a × c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से पी स्क्वायर आ जाएगा 144, तो यहाँ से पी का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 12। तो पी के इन दो वैल्यू के कारण जो है ये फंक्शन जो है पॉलिनोमियल कहला जाएगा, ठीक है? तो ऐसा समझ सकते हो। अच्छा एक और चीज़ बताता हूँ, थर्ड केस। डी नेगेटिव होगा तो रूट्स विल बी इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट। इमेजिनरी मतलब, इमेजिनरी मतलब डी अगर लेस देन 0 हो गया, अंडर रूट माइनस 1 पता है ना, आयोटा होता है, तो रूट्स जो है इमेजिनरी और डिस्टिंक्ट हो जाएंगे, ठीक है? यही रूट आएगा, लेकिन क्योंकि डी नेगेटिव है तो नेगेटिव का अंडर रूट तो डिफाइन नहीं होता ना, तो रूट इमेजिनरी और डिस्टिंक्ट हो जाएंगे, ठीक है? इतना नोट करो। तो हम कह सकते हैं अब कि मतलब सफिशियंट एंड नेसेसरी कंडीशन फॉर रूट्स टू बी रियल इज डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो डी ग्रेटर देन 0 पे तो डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स आ रहे थे, लेकिन हमें हमने इक्वालिटी क्यों लगाई है? क्योंकि उसमें रूट सेम हो जाएंगे, रूट सेम हो जाएंगे और रूट तो रियल ही आएंगे ना। -b/2a रूट आएगा ना, तो वो भी तो रियल ही होगा। तो अगर कहीं दिया है सवाल में रूट रियल है तो ये कंडीशन होल्ड करेगी, एंड इसका उल्टा अगर नॉन रियल रूट हैं तो उसके लिए डी लेस देन 0 हो जाएगा, है ना? तो ये चीज़ है, ठीक है? तो अब दो सवाल कर लेते हैं। लेट द रूट्स ऑफ दिस बी रियल, देन कमेंट ऑन नेचर ऑफ रूट्स ऑफ दिस। अगर इसके रूट रियल है, इसका क्या मतलब है? डी जो है ये होना चाहिए, है ना? इसके लिए तो इसका डी निकालो, तो इसका डी कितना आएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देन कमेंट ऑन नेचर ऑफ रूट्स ऑफ दिस। अच्छा इसके रूट के नेचर पे कमेंट करना, तो इसका एक बार डी निकाल के देखते हैं। तो इसका डी क्या होगा? बी स्क्वायर, बी के जगह 3b है, बी स्क्वायर माइनस 4 × a, 4a × c, ये है डी डैश बोल दो इसको, है ना? तो डी डैश कितना हो गया? 9b² माइनस 32ac, है ना? अब हमें पता करना है कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो इसको तुम लिख सकते हो b² प्लस
8b² - 32ac, ठीक है, हो गया। तो ये बी स्क्वायर प्लस 8 कॉमन ले लो, तो b² - 4ac आ जाएगा। अब तुम देखो, b² - 4ac पॉजिटिव वैल्यू है या ग्रेटर देन, मतलब जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव है ना, तो ये पॉजिटिव होगा। अब b² कुछ भी हो, है ना, b कुछ भी हो, नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये तो मतलब पॉजिटिव ही होगा ना, तो सम भी तो पॉजिटिव ही होगा, तो इसके रूट क्या आ जाएंगे, रियल रूट आ जाएंगे, है ना। तो इस हिसाब से हम बता सकते हैं कि रूट्स जो हैं वो रियल है। अगले सवाल पे आते हैं। इफ़ p इंटू क्यू माइनस आर एक्स स्क्वायर प्लस q इंटू आर माइनस पी एक्स प्लस आर इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू जीरो हैज़ इक्वल रूट्स, देन शो दैट 2 अपॉन q इज इक्वल टू 1 अपॉन p प्लस 1 अपॉन r। इक्वल रूट है तो पहला मेथड कि d जो है वो जीरो कर दो, इक्वल रूट है ना, तो d इसका क्या है, b² - 4a। ए है ना, इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ PQ - PR, ठीक है, 4a, और ये सी है, इसको RP - QR, ठीक है, ये जीरो है ना, क्यू को अंदर ले गया, QR - PQ का स्क्वायर है ना, -4 PQ - PR, PR - QR, है ना। अच्छा, इसको तुम ऐसा लिख सकते हो, QR, ठीक है, मैनिपुलेशन है, QR लिख दिया, ठीक है, QR है ना, QR - PR प्लस PR - PQ, है ना, अंदर पी आर जोड़ा और घटा दिया, तो ये आ गया -4 PQ - इसको क्या किया मैंने, उल्टा लिख दिया, PR - PQ उल्टा लिख दिया, तो एक माइनस बाहर आएगा, इसको भी उल्टा लिखा, तो QR - PR, ठीक है, ये जीरो है ना, उल्टा करके लिख दिया, उल्टा करके लिख दोगे तो -1 बाहर आएगा, यहाँ से भी -1, तो +1 हो जाएगा, ठीक है, तो फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो, अगर मैं इसको कैपिटल ए बोलूँ, इतने पार्ट को कैपिटल बी बोलूँ, तो ये क्या लिखा है, दिस इज ऑल्सो है क्या बी है, और ये ए लिखा है ना। अब देखो, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है ना, -4ab, और इसको ये लिख सकते हैं, है ना, तो ये जो पूरा टर्म लिखा है ना, वो a माइनस b के होल स्क्वायर के बराबर लिखा है। तो अगर मैं इसको वापस लिखूं, तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ, a जो कि QR - PR है, a - b PR + PQ, ये जीरो दे रखा है। इसका क्या मतलब है, ये पूरा टर्म जीरो है, मतलब PQ + QR = 2PR हो गया, है ना। अब दोनों साइड PQR से डिवाइड कर दो, PQR से डिवाइड करोगे तो 1 + 1 अपॉन r + 1 अपॉन p = 2 अपॉन q बन जाएगा, प्रूफ हो गया, है ना, यही तो प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, ठीक है, नोट कर लो। इसका एक और मेथड देखते हैं, ठीक है, इसका दूसरा मेथड देखते हैं, ऑब्जर्वेशन है वो। ऑब्जर्वेशन क्या है कि तुम देखो, जो सम ऑफ कोफिशियंट है ना, तुमको नहीं लग रहा साइक्लिक ऑर्डर में है, मतलब पहले q - r हुआ, फिर r - p, फिर p - q, साइक्लिक ऑर्डर में है ना, तो
कभी भी ऐसा इक्वेशन हो ना जिसका मतलब कोफिशेंट सब साइक्लिक ऑर्डर में होगा, तो ऐसा हो जाता है कि उसका रूट वन हो जाता है, मतलब उसका रूट वन आता है, मतलब साइक्लिक ऑर्डर में अगर लिखा हो तो उसका रूट एक बार वन रख के देखना एक्स के जगह कटता है कि नहीं। तो अगर मैं एक्स को वन रख दूँ तो ये बनेगा पी क्यू माइनस पी आर प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू प्लस पी आर माइनस क्यू आर, ठीक है। ये गया पी क्यू से, ये गया और क्यू आर ये गया, मतलब वन इसका एक रूट है, ये याद रखना हमेशा। कभी भी साइक्लिक ऑर्डर में दिया है ना तो वन डाल के देखना, वो रूट आ जाता है, ठीक है। तो अब देखो इक्वल रूट दे रखे हैं, एक रूट वन आ गया तो दूसरा रूट भी वन ही होगा ना, क्योंकि इक्वल रूट है ना। तो अगर दोनों रूट क्या है, वन और वन है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट इस केस में वन आएगा ना, वन इंटू वन, प्रोडक्ट ऑफ रूट इस हिसाब से पी सी बाय ए होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, पी क्यू माइनस पी आर इज इक्वल टू पी आर माइनस आर क्यू। तो पी क्यू प्लस आर क्यू इज इक्वल टू टू पी आर। अब पी क्यू आर से वो कर दो डिवाइड, तो पी क्यू आर तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी आ गया, तो इसके दो मेथड थे। अच्छा पहले मेथड में जो मैंने मैनिपुलेशन किया था, प्लस माइनस किया था, वो आ जाएगा, तुम भी कर लोगे। अभी तो स्टार्ट किया ना तुमने मैथ्स पढ़ना, अभी ये सब चीज़ें नहीं आएंगी, लेकिन वक्त के साथ सब हो जाएगा। जब तक तुम 12th में बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ लोगे ना, कैलकुलस वगैरह, तो ये सब मैनिपुलेशन आराम से दिख जाता है ना, अगर आप प्रॉपर प्रैक्टिस करें, मतलब अच्छा मटेरियल करें तो वो सब हो जाता है, ठीक है। तो घबराओ मत कि कहाँ कहाँ से मतलब सोच के ये हो जाता है, ये वो हो जाता है, वो सब बहुत आसान होता है, ठीक है। कोई बड़ा बात नहीं है मैथ्स सॉल्व करना, ठीक है। तो बस मेहनत करो, है ना, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं अब, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट है इक्वेशन फ्रॉम रूट्स, है ना। तो जैसे अगर तुमको मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब फंक्शन है कोई, है ना। अगर मैं ए कॉमन ले लूँ तो ये ऐसा बन जाएगा। अच्छा मान लो इसके रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय ए होता है, और अल्फ़ा बीटा क्या होता है, सी बाय ए होता है। तो अगर मैं बी बाय ए को रिप्लेस कर दूँ अल्फ़ा प्लस बीटा से और सी बाय ए को रिप्लेस कर दूँ सी बाय ए से, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो ये चीज़ और ये चीज़ सेम लिखा है, मतलब कल को अगर मुझे रूट्स का सम पता हो और प्रोडक्ट भी पता हो तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे लिख सकता हूँ। तो मान लो कल को सम ऑफ रूट एस दिया है और प्रोडक्ट ऑफ रूट पी दिया है, तो ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब जिनके ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिनके रूट्स का सम एस आए और प्रोडक्ट पी आए, उसको मैं हमेशा लिख सकता हूँ ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, वेयर ए इज़ एनी आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट, है ना। ए तो कुछ भी हो सकता है ना, अल्टीमेटली आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, कहने का यह मतलब है। ये तरीका तो चलो ठीक है। एक दूसरा तरीका है, जैसे अगर इसके रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा, तो इसका एक फैक्टर ये होगा और एक फैक्टर ये होगा। अगर मैं तुमको बोलूँ ऐसा नंबर बताओ जिसके फैक्टर है टू और थ्री, कोई ऐसा नंबर बताओ जिसके फैक्टर है टू थ्री, तो वो नंबर क्या होगा, टू इंटू थ्री होगा ना, सिक्स। अगर मैं कल को बोलूँ कोई ऐसा नंबर बताओ जिसके फैक्टर है टू ट्वाइस रिपीटिंग, ट्वाइस रिपीटिंग और थ्री, तो नंबर क्या होगा, टू इंटू थ्री होगा ना, बारह। तो
अगर मुझे फैक्टर्स पता हों किसी नंबर के, तो मैं उनको मल्टीप्लाई करके वो नंबर पता कर सकता हूँ। सेम यहाँ आप कर सकते हो, आपको फैक्टर्स पता है, अल्फा बीटा अगर इसके रूट्स हैं, है ना, लीडिंग कोफिशेंट आपको पता होना चाहिए, ए है, ठीक है, इसका फैक्टर है, एक फैक्टर आपको पता है, दूसरा फैक्टर भी पता है, तो फंक्शन कैसे आएगा जब आप फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दोगे? तो फंक्शन को आप सिंपली ऐसे लिख सकते हो, फैक्टर्स के उसमें मल्टीप्लीकेशन में, तो जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा आ जाएगा। दिस इज आइडेंटिकल, है ना, सेम ही लिखा है ना, ऐसे भी आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। ऐसे समझने में आसानी है कि आप जनरलाइज कर सकते हैं ना। अब आपको कल को मतलब क्यूबिक दे दिया गया, अगर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यहाँ तो चलो आपने ए से आपने निकाल लिया, मतलब ए से ए कॉमन करके बी बाय क्रिएट कर लिया, और आपको पता था कि अल्फा प्लस बीटा ये होता है। अगर यहाँ से ए कॉमन ले लोगे तब आपको नहीं पता ना कि अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा गामा, मतलब इसके तीन रूट होंगे। तो उस केस में आप या ऐसे ऐसे सोच सकते हैं, इसका एक रूट अल्फा है, एक बीटा है और एक गामा है। एक फैक्टर एक्स माइनस अल्फा होगा, दूसरा फैक्टर होगा एक्स माइनस बीटा, तीसरा फैक्टर होगा एक्स माइनस गामा और ए बाहर। तो जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो आपको क्या मिल जाएगा? मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको फंक्शन ही मिल जाएगा ना। तो दिस इज आइडेंटिकल टू, जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यूब आएगा, ये आएगा प्लस टेकन टू एट अ टाइम, सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, है ना, और ये हो जाएगा अल्फा बीटा गामा, ठीक है। आप अगर आपको फैक्टर के हिसाब से अगर आप सोचें तो आप जनरलाइज कर सकते हैं, आप कितने भी इक्वेशन के लिए लिख सकते हैं, ठीक है, नोट कर लो, ठीक है। अच्छा, अब नया कॉन्सेप्ट है फैक्टराइजिंग अ पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, और मान लो एन डिग्री पॉलिनोमियल है, एन डिग्री पॉलिनोमियल है, ठीक है, ऐसे लिख लो इसको, ए नॉट एक्स एन प्लस ए वन एक्स एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स एन माइनस टू प्लस, ये जाता जा रहा है ए एन तक, ठीक है। इसके रूट्स हैं अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री, ठीक है, अल्फा एन, है ना, एन डिग्री पॉलिनोमियल है तो एन रूट्स होंगे, ठीक है। तो एक फैक्टर इसका क्या है, एक्स माइनस अल्फा वन है, दूसरा फैक्टर क्या है, एक्स माइनस अल्फा टू है, तीसरा फैक्टर क्या है, एक्स माइनस अल्फा थ्री है। तो अगर मैं सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे पी एक्स मिल जाएगा ना। तो मैं पी एक्स को ऐसा भी लिख सकता हूँ, ए नॉट, जो कि ए नॉट बाहर रहेगा, वो लीडिंग कोफिशेंट मैच कराने के लिए होता है, ठीक है। अब आप वही करो, सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करो और क्या। करते जाओ ऐसे एक्स माइनस अल्फा एन तक, दिस थिंग एंड दिस थिंग इज आइडेंटिकल। अच्छा, ए नॉट क्यों बाहर लेते हैं, ए नॉट डिफरेंशिएट करता है, मतलब ये एक तो एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल होगा ना। तो अब देखो यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है ना, ए अगर होता, अगर कुछ भी होता, तो जो ये कैपिटल ए है इसके कारण ये जो फंक्शन है और ये जो फंक्शन है ये सेम नहीं होता, क्योंकि मान लो ए नॉट का वैल्यू 5 होता और मैं कैपिटल ए को 10 ले लेता, तो भले मेरा इतना टर्म सेम होता लेकिन आउटपुट अलग आता ना, क्योंकि मैंने कैपिटल ए ले लिया है ना। तो ए नॉट बाहर इसलिए लेते हैं, वो डिफरेंशिएट करता है, मतलब
ऐसे तो बहुत सारे पॉलिनोमियल होंगे ऐसे, लेकिन ए नॉट डिफरेंशिएट कर देगा ना उनको, इसीलिए। खैर मैं ये कह रहा हूँ कि पी एक्स को अगर उसके इतने रूट्स हैं तो आप उसको ऐसा लिख सकते हो, है ना? इसी कॉन्सेप्ट पे सवाल करते हैं, ठीक है? ठीक है, तो तीन सवाल हैं, वन बाय वन हम करते हैं इन्हें, ठीक है? इफ़ ए कॉमा बी कॉमा सी आर रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, देन फाइंड दिस, ठीक है? तो ये लिखा है एक्स क्यूब प्लस 3x-1। अगर इसके रूट्स हैं ए बी सी, ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या होंगे? एक्स माइनस ए, एक फैक्टर होगा एक्स माइनस ए, दूसरा फैक्टर होगा एक्स माइनस बी, तीसरा फैक्टर होगा एक्स माइनस सी। अब क्योंकि लीडिंग कोफिशेंट 1 है तो मैं बाहर 1 लिख लेता हूँ, ठीक है, लिखने का ज़रूरत नहीं है। और इनका अगर मैं मल्टीप्लीकेशन कर दूँ तो मुझे यही चीज़ मिल जाएगा। तो दिस पॉलिनोमियल कैन बी रिटन एज एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, है ना? अब देखो, अब एक्स के जगह 2 रखो दोनों साइड, क्योंकि आइडेंटिटी है ना ये। एक्स के जगह अगर तुम 2 रखोगे तो ये कितना बन जाएगा? 8 + 6 = 14 - 1 = 13, ठीक है? 13 आ गया इधर, 2 रखा है एक्स के जगह, तो 2 का क्यूब 8 होगा, 8 में 3 × 2 = 6 होता है, तो 8 में 6 जोड़ोगे 14 - 1 = 13, 2 - a 2 - b 2 - c, यही तो चाहिए था, आ गया 13, क्योंकि मैंने बोल रखा है कि इसको तुम ऐसा लिख सकते हो, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी। अब बीच में प्लस साइन है तो मैं क्या पुट करूं? -3 पुट करो इसमें, तो -3 - a आ जाएगा, -3 - b आ जाएगा, और -3 - c आ जाएगा। -3 पुट करोगे -27, -9, -1, -37 आ गया, इज इक्वल टू, यहाँ से एक -1 कॉमन लो तो ये 3 - a हो गया, यहाँ से -1 कॉमन लोगे तो स्क्वायर हो जाएगा -1 का, 3, सॉरी प्लस 3 + b, यहाँ से एक माइनस बाहर लोगे यहाँ से तो एक क्यूब हो जाएगा, तो एक 3 + c, -1 का पावर 3 - 1 होता है, ये माइनस से ये गया प्लस, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 37, स्क्वायर आ गया उसमें। x - a x - b x - c, देखो 4 - a² को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 - a² कैन बी रिटर्न एज 2 - a × 2 + a, 4 - b² कैन बी रिटर्न एज 2 - b × 2 + b, एंड 4 - c² कैन बी रिटर्न एज 2 - c × 2 + c। मल्टीप्लाई कर दो सबको, तो 4 - a² 4 - b² × 4 - c² जो है इसको लिखा जा सकता है, मैं इनको 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 साथ में लिख रहा हूँ, तो 2 - a 2 - b 2 - c को साथ में लिखा, इन टू 2 + a 2 + b 2 + c। अब इसको तुमने निकाल रखा है ऊपर 13, इसको भी निकाल सकते हो, कैसे? ये जो लिखा है ये और ये सेम ही तो है, बस यहाँ पे -3 डाला था या -2 डाल देना, ठीक है? तो इसको तुम ऐसा लिख सकते हो। अच्छा, अगर तुम -2 डालोगे तो ये -1³ आ जाएगा, और यहाँ पे 2 + a, जैसे जैसे सेकंड पार्ट में किया था, 2 + b 2 + c हो जाएगा, और -2 डाल रहे हो तो -8 - 6 - 1 - 15, ठीक है, ये माइनस से प्लस हो जाएगा तो 15 हो जाएगा, विच मीन्स ये जो है कितना हो जाएगा,
इसका तो निकाला था 13, 13 था ना, 13, और ये अभी निकाल लिया 15, तो कितना आ जाएगा, 195 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर 195 हो जाएगा। ठीक है, अब ये सोचना ये कैसे होगा, एक सेकंड। हाँ, तो 1 + a² को तुम क्या लिख सकते हो? देखो, बीच में माइनस था तो तुमने मैनिपुलेट कर दिया a, मतलब इसके रूट में 2 - a, 2 + a में। अब क्या करोगे? तो ये याद रखना, a² + 1 को हमेशा लिख सकते हैं a+i इंटू a - i, है ना, a+b इंटू a - b, तो a² - i² आयोटा स्क्वायर इज -1, विच इज़ a² - -1, दिस इज a² + 1। ठीक है, तो ये स्क्वायर से लिख दिया, b² + 1 को ये लिख दिया, c² + 1 को ये लिख दिया, है ना, और x³ + 3x - 1 क्या है, x - a, x - b, x - c। एक बार आयोटा डालो, एक बार माइनस आयोटा डालो। आयोटा डालोगे तो ये ऐसा बन जाएगा ना, एक बार आयोटा डालो, आयोटा माइनस ए, आयोटा माइनस बी, आयोटा माइनस सी। -1 कॉमन ले लो, -1³, a - iota, b - iota, c - iota। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया। ठीक है, इसका मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो ये तीन भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे ना, तो उसका वैल्यू निकाल लेना, यहाँ पे आयोटा रख देना, है ना। दूसरे बार में एक्स के जगह क्या रखोगे, -iota रखना, -iota रखोगे तब iota + a का फैक्टर बनेगा, तो इसका भी वैल्यू आ जाएगा। एक बार आयोटा रखो, एक बार -iota रखो, दोनों को गुना, मेरा मतलब मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो आंसर आपका आ जाएगा, ये खुद करना। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, गिवेन दैट द इक्वेशन दिस x - 97 इज इक्वल टू p हैज़ रियल रूट्स ए एंड बी, देन फाइंड द लीस्ट रियल रूट ऑफ इक्वेशन दिस। ठीक है, दूसरा इक्वेशन दिया है x - a, x - b इज इक्वल टू -p। अच्छा, इसके रूट्स ए और बी गिवेन है, इस इक्वेशन के रूट्स। तो अगर मैं इसको लिखूं ऐसा, ये इक्वेशन है ना, तो मैं p को यहाँ ले लूँ, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन के क्या क्या रूट्स हैं, ए और बी हैं, तो मैं x - 19 * x - 97 - p को लिख सकता हूँ, x - a * x - b। यहाँ 1 ही आएगा क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट 1 ही है ना, इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, अब जो आस्क्ड, जो पूछा है, आस्क्ड इक्वेशन है वो ये है ना, तो ये जो लिखा है x - a * x - b, ये हमारे पास है ना पहले से, ये देखो, इसको वहाँ रख दो, तो ये x - 19 * x - 97 - p इज इक्वल टू -p आ गया, ये कट गया। तो ये जो इक्वेशन लिखी है ना, ये अल्टीमेटली ये लिखी है, x - 19 * x - 97। अब इसका लीस्ट रियल रूट पूछा है, तो इसका लीस्ट रियल रूट क्या है, 19, तो इसका आंसर 19 हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला सवाल, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू x² + ax + b, वेयर ए कॉमा बी बिलोंग टू रियल नंबर, हैज़ टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीग्रल रूट्स, पॉजिटिव है रूट और इंटीजर भी है, एंड f11 इज 13, फाइंड रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो x² + ax + b ये चीज़ है। ठीक है, इसके रूट्स में मान लेता हूँ अल्फा बीटा, देन दिस कैन बी रिटन एज
एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, है ना। अल्फा बीटा आर क्या बोलते हैं अल्फा बीटा को, अल्फा बीटा आर इंटीजर्स, है ना। नाउ इट इज़ गिवेन F11 इज 13, दिस मीन्स अगर x के जगह 11 रखूँ मैं तो 13 आना चाहिए, है ना। जब 13 आना चाहिए तो ऐसा है, अल्फा अल्फा इंटीजर है, बीटा इंटीजर है, 11 माइनस अल्फा क्या होता होगा, वो भी इंटीजर होगा, और 11 माइनस बीटा क्या होगा, वो भी इंटीजर होगा। तो दो इंटीजर का प्रोडक्ट 13 आ रहा है, और 13 तुमको पता होना चाहिए प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर मतलब जिसका कोई भी फैक्टर ना हो वन के अलावा और खुद के अलावा, है ना। तो 13 को अगर तुम दो नंबर में ब्रेक करो ना, तो तुम एक ही तरीके से ब्रेक कर सकते हो, 1 × 13, है ना। तो केसेस जो है, क्योंकि ये प्राइम नंबर है तो केसेस बहुत कम बनेंगे इसमें, केस या तो ये है, या तो ये 1 हो जाए, या ये 13 हो जाए, या ये -1 हो जाए, ये -13 हो जाए, और है ना, और इसका उल्टा है कि ये 13 हो जाए, 1 हो जाए, -13, ठीक है। तो केस 1 लेता हूँ मैं, जब 11 माइनस अल्फा जो है वो 1 हो। तो व्हेन 11 माइनस अल्फा इज 1, अल्फा इज 10, और 11 माइनस बीटा, इस केस में 11 माइनस बीटा कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, तो बीटा जो हो जाएगा ना -2 हो जाएगा। तो ये केस रिजेक्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ दिया है टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीग्रल, पॉजिटिव या नेगेटिव आ गया बीटा, तो हम ये केस नहीं ले सकते, ये केस गलत है। दूसरा केस लेते हैं हम, दूसरा केस 11 माइनस अल्फा इज -1, अल्फा यहाँ से 12 आ गया, और 11 माइनस बीटा जो है -13 हो जाएगा, तो बीटा 24 आ जाएगा। ये सही है, ये है ना, टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीग्रल, रूट आ गए, रूट आ गए, यही आपका आंसर है, ठीक है। अब इसका तीसरा केस भी है कि वो ये 13 हो जाए, ये 1 हो जाए, -13 हो जाए, -1, तो रिजल्ट सेम ही आएगा, बस अल्फा बीटा एक्सचेंज हो जाएगा, क्योंकि देखो सिमेट्रिक है ना, अबाउट अल्फा एंड बीटा इक्वेशन इज सिमेट्रिक, है ना, रिजल्ट वही आएगा। तो ये आपके मतलब दो रूट्स ये आ गए, तो रूट पूछा तो 12 और 24 आपका आंसर है, नोट कर लो। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, द लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर 3 डिस्टिंक्ट रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज के फाइंड 100 के, इसके रूट मान लेता हूँ ए बी सी है, ठीक है। तो मतलब मैं 4x³ -24x² +47x -30 को लिख सकता हूँ, 4 क्योंकि 4 लीडिंग कोफिशेंट है, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी लिख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा अब तुमको अगर क्यूबिक का आइडिया है, मतलब 10th में बताते हैं ना कि सम ऑफ रूट्स क्या होगा, इसका यही क्वेश्चन है, इसका सम ऑफ रूट्स क्या होगा, -24/4 -b/a, इस केस में भी होता है, तो ए प्लस बी प्लस सी क्या है, 6 आ गया ना। इसको ऐसे भी तुम देख सकते हो कि देखो मैं बताता हूँ, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, तो जब तुम एक्सपेंड करोगे ना तो ऐसा एक्सपेंड होगा, तुम करके देखना, ठीक है। अगर ये फैक्ट पता है कि -b/a होता है, जो कि मैं बता भी दूंगा आगे, फिर तो ठीक है, प्लस होता है टेकन टू एट अ टाइम, ये ऐसे आएगा, ठीक है, जब तुम एक्सपेंड करोगे, तो जब तुम कंपेयर करो तो ये चीज़ है, 4x³ -4 × a + b + c, x² +4 × कुछ -4abc, है ना। तो जब तुम x² का कोफिशियंट कंपेयर करोगे ना, तो -24 और ये चीज़ आइडेंटिकल है, तो जब तुम इक्वेट करोगे तो 4 से 24 कटेगा, तो ए प्लस बी प्लस सी 6 आएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी क्या है, 6 है, ठीक है, इतना समझ आ गया।
अब ए बी सी तो साइड ऑफ ट्रायंगल है, तो ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा? पेरीमीटर होगा। तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा? सेमी पेरीमीटर क्या होगा? 3 होगा। हिरॉन्स फार्मूला तुमको पता होगा, हिरॉन्स फार्मूला होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये एरिया होता है ट्रायंगल का। अगर ए बी सी साइड्स है ना, तो एरिया ऐसे आता है, वेयर एस इज सेमी पेरीमीटर एंड ए बी सी आर साइड्स। तो इस केस में एरिया क्या होगा? 3 × 3 माइनस ए इंटू 3 माइनस बी इंटू 3 माइनस सी, दिस इज दी एरिया, है ना? तो कुछ नहीं, अब दोनों साइड यहाँ पे 3 रख दो। 3 रख दोगे तो 4 × 27 हो जाएगा, माइनस 24 × 9 हो जाएगा, प्लस 47 × 3 माइनस 30 इज इक्वल टू 4 × 3 माइनस ए 3 माइनस बी 3 माइनस सी। है ना, ये आ जाएगा। अब 27 × 4 108, 108 माइनस 216, माइनस 108 प्लस 141, 33 माइनस 30, 3 आ जाएगा इधर। 3 इज इक्वल टू 4 × 3 माइनस ए 3 माइनस बी 3 माइनस सी। ये हो गया, दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब अंडर रूट ले लो, तो 3/2 आ जाएगा। यही तो चाहिए था, एरिया आ तो गया। एरिया एरिया इज 3/2, मीन्स के इज 3/2 यूनिट स्क्वायर, है ना? और 100 के पूछा है, तो 100 के इज 150, है ना? नोट कर लो। ठीक है, तो आज के आखिरी सवाल पे आते हैं। लेट पी एंड क्यू बी टू पॉजिटिव नंबर सच दैट पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 2 एंड पी का पावर 4 प्लस क्यू का पावर 4 इज इक्वल टू 272। देन प्रूव दैट पी एंड क्यू आर रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस। ठीक है, अच्छा पी प्लस क्यू का वैल्यू मुझे पता है 2, पी क्यू का वैल्यू मुझे नहीं पता है। और अगर मुझे ऐसा इक्वेशन बनाना है जिसका रूट जो है पी और क्यू होगा, तो वो क्या होगा? वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पी एक्स अगर मैं एच एक्स अगर उसको मैं मानूं, तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू एक्स प्लस पी क्यू, है ना? इस इक्वेशन के रूट है पी और क्यू, ये सम हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया, तो ये मुझे पता है, पी प्लस क्यू पता है, पी क्यू नहीं पता। अगर पी क्यू मुझे पता चल गया, तो इक्वेशन आ जाएगा जिसके रूट्स है पी और क्यू, तो मुझे पी क्यू कहीं से पता करना है। ठीक है, और प्रूव दैट में है कि ये इक्वेशन है, तो इतना पार्ट तो प्रूव हो गया। अगर मैं पी क्यू को 16 दिखा दूं, तो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पी इंटू क्यू का वैल्यू फाइंड करना होगा, है ना? ठीक है, सॉल्व करते हैं। अच्छा देखो, पी प्लस क्यू 2 दे रखा है, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करूं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 − 2 PQ। फिर से स्क्वायर कर दो, तो पी का पावर 4 प्लस क्यू का पावर 4 प्लस 2 PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 4 PQ, है ना? माइनस 16 PQ। ठीक है, अब पुट कर दो, ये 272 दे रखा है इसका वैल्यू, तो 272। ठीक है, तो एक सेकेंड, 16 4 4, ठीक है,
इज इक्वल टू 16 प्लस 2 पी क्यू का स्क्वायर, ये 2 पी क्यू को यहाँ ले गया तो माइनस हो गया, ठीक है। अब एक काम करो, अब 2 से डिवाइड कर दो, तो पी क्यू का स्क्वायर बन गया, है ना। अब पी क्यू में एक क्वाड्रेटिक बन गया, अब पी क्यू में क्वाड्रेटिक बन गया तो अब तो सॉल्व हो ही जाएगा, माइनस 8 PQ, है ना, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ ना मैं, हाँ, तो +8 माइनस 136, है ना, जो कि -128 लिख सकते हैं। तो फाइनली 2 से डिवाइड करने के बाद ये आ गया, ठीक है। पी क्यू को मैं कुछ देर के लिए कैपिटल एक्स बोल देता हूँ, तो ये इक्वेशन बन गया x² - 8x - 128, वेयर एक्स इज पी क्यू, कैपिटल एक्स लिखा है ना। अब ये क्वाड्रेटिक है, इज इक्वल टू 0, है ना। अब देखो ये स्प्लिट हो रहा है कि नहीं, ये है ना 8, तो ये 16 8 से हो जाएगा, x² - 16x + 8x, इसको डायरेक्ट लिख दो, x - 16, ठीक है, 16 लिखा है, इंटू x+8 इज इक्वल टू 0। अब पी क्यू की दो वैल्यू आई कैपिटल एक्स की, या तो 16 होगा या पी क्यू -8 होगा, -8 रिजेक्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दिया है 2 पॉजिटिव नंबर है, दो पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट -8 कैसे आ सकता है, तो पी क्यू जो है वो 16 होगा, प्रूव कर दिया पी क्यू 16, यही प्रूव करना था। तो वो क्वाड्रेटिक जिसका रूट जो है पी क्यू है, वो क्वाड्रेटिक क्या होगा, a² - p+q 2x + pq 16, ये क्वाड्रेटिक होगा जिसके रूट्स होंगे पी और क्यू, लेकिन इसमें ए को 1 ले रखा है, मतलब इसके लिए फॉर ए इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करना था, प्रूव तो हो ही गया, ठीक है, नोट कर लो, ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम मैं अभी होमवर्क के लिए भी दूंगा, तो वो सॉल्व करना, ज़रूर सॉल्व करना उसको, ठीक है। तो ये 4 सवाल हैं जो आपको होमवर्क में करने हैं, ठीक है। पहला सवाल पढ़ लो, a+b ये दिया है, ठीक है, ab1 दिया है, ये फाइंड करना है, ठीक है। और बस अपीयरेंस थोड़ी ख़राब है सवालों की, मतलब दिखने में ख़तरनाक है, बहुत आसान आसान प्रॉब्लम है, ये बहुत आसान है, ठीक है, ये थर्ड वाला बहुत आसान है, लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ा होगा तुमने तो हो जाएगा आराम से, यहाँ ये भी आसान है, ठीक है, इसमें थोड़ा दिमाग लगेगा, ये जो ये वाला सवाल है ना, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा, है ना, बाकी तो ऊपर के बहुत आसान है, ज़रूर करना इनको, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूँगा इनको, है ना, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।